कैम छो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के एग्जाम्पल। तो देखते हैं कौन सा एग्जाम्पल हमको दिया हुआ है। तो आज हमको एग्जाम्पल दिया हुआ है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ मैन हिटिंग अ टारगेट इज 1/3। यानी कि हमको पी क्या दिया हुआ है भाई साहब, 1/3। फर्स्ट हमको कंडीशन दी हुई है, इफ ही फायर अब 5 टाइम्स, यानी कि कितनी बार वो फायर करेगा, 5 टाइम्स। यानी ये क्या हो गया हमारा, 5 क्या हो गया एन। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज हिटिंग द टारगेट एटलीस्ट ट्वाइस, यानी कि 2 बार उसका टारगेट क्या हो, हिट हो, या फिर 2 से ज्यादा बार हिट हो। हाउ मैनी टाइम्स मस्ट ही फायर सो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट एटलीस्ट वंस मोर देन 90%। यानी कि एक बार में से कितनी परसेंटेज होनी चाहिए, 90%, वो हम आगे देखेंगे। सबसे पहले तो जो दिया हुआ है वो लिख देते हैं, क्या दिया हुआ है। एन हमको टारगेट फायर कितनी टाइम करता है, वो 5 टाइम्स, यानी कि एन क्या हो गया हमारा, 5। फर्स्ट के लिए प्रोबेबिलिटी क्या दी हुई है, 1/3। पी हमको पता है, क्यू मिल जाएगा, क्यू इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस पी। 1 माइनस पी यानी कि 1 माइनस 1/3 क्या हो जाएगा, क्यू हमारा हो जाएगा 2/3। एन मिल गया, पी मिल गया, क्यू मिल गया, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एक्स फ्रॉम एक्स एन सी एक्स पी रेस टू एक्स एन इंटू क्यू रेस टू एन माइनस एक्स। वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमको क्या मिलेगा, 5 सी एक्स। पी की वैल्यू क्या है, 1/3 रेस टू एक्स। क्यू क्या है, 2/3। एन क्या है, 5 माइनस एक्स। ये क्या हो गया हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट हमको क्या दिया हुआ है कि एटलीस्ट 2 बार उसका टारगेट तो हिट होना ही चाहिए, या फिर 2 से ज़्यादा बार हो भी चलेगा। उसका मतलब क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी किसके लिए फाइंड करनी है, एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 के लिए। तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू 4 प्लस प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू 5। क्यों 5 आया, क्योंकि हमने 5 टाइम्स टारगेट को फायर किया था। अभी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में जहाँ पे एक्स है वहाँ पे क्या रख देते हैं हम, 2। तो हमको मिलेगा 5C2, 1/3 रेस टू 2, 2/3 रेस टू 5 माइनस 2 यानी कि 3 प्लस 5C3, 1/3 रेस टू 3, 2/3 रेस टू 5 माइनस 3 यानी कि 2 प्लस 5C4, 1/3 रेस टू 4, 2/3 रेस टू 5 माइनस 4 यानी कि 1 प्लस 5C5, 1/3 रेस टू 5 एंड 2/3 रेस टू 5 माइनस 5 है यानी कि हो जाएगा 0। इसको सिंपलीफाई करते हैं तो क्या मिलेगा, 5C2 होता है 10, 1/3² यानी कि हो जाएगा 1/9, 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है 27 प्लस 5C3 क्या होता है, 5C3 भी होता है 10, 1/3³ यानी कि 1/27 इंटू 2 का स्क्वायर यानी 4 एंड 3 का स्क्वायर यानी कि 9 प्लस 5C4 क्या होता है, 5C4 होता है 5, 3 रेस टू 4 यानी कि 1/81 इंटू 2/3 का 2/3 ही रहेगा प्लस 5C5 होता है 1, 1/3, 3 रेस टू 5 होता है 243 इंटू 1 आएगा, किसी की भी पावर 0 हो तो क्या होता है, 1। इसको सिंपलीफाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, तो हमको मिलेगा
फर्स्ट टर्म के लिए मिला 80 बाय 243 प्लस 40 बाय 243 प्लस 10 बाय 243 प्लस 1 बाय 243। डिवाइजर सेम है तो ऊपर वाले क्या क्या करेंगे, एडिशन यानी कि 80 प्लस 40 प्लस 10 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 243 क्या मिलेगा, 131 डिवाइडेड बाय 243। पॉइंट में लिखेंगे तो क्या मिलेगा आंसर, 0.5391। ये हो गया जब ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 के लिए प्रोबेबिलिटी हो। सेकंड हमको फाइंड करना था, परसेंटेज में हमको वैल्यू दी हुई थी 90%। उसका मतलब क्या हुआ, एक बार उसने फायर किया x इज इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.9। 0.9 क्यों हुआ, 90 डिवाइडेड बाय 100। एक से ज़्यादा बार वो फायर करेगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी के लिए हमने क्या लिया है, परसेंटेज लिया हुआ था 0.9। इसका मतलब क्या हुआ, p ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, यानी कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 ग्रेटर देन 0.9। यानी कि हम 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 माइनस करेंगे तो बाकी की प्रोबेबिलिटी हमको मिल जाएगी। फॉर्मूला पता है, हम रख देते हैं। यहाँ पे हमको फाइंड करनी है n की वैल्यू, तो n की जगह पे n ही रखेंगे। n सी x, x की वैल्यू क्या है 0, p की वैल्यू हमको पता है क्या थी 1/3 रेस टू 0, 2/3 रेस टू n माइनस 0, यानी कि n ही रहेगा। यहाँ पे आएगा ग्रेटर देन 0.9। सिंप्लीफाई करते हैं, 1 माइनस n c 0 क्या होता है 1, ये क्या होता है 1, तो क्या बचा सिर्फ 2/3 रेस टू n ग्रेटर देन 0.9। इसको सामने की साइड भेज देते हैं। वैसे भी अगर हम n की वैल्यू क्या लें, ओरली हम सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू हमको मिलेगी 6, यानी कि n की जगह पे हम 6 रखेंगे तो हमको आंसर क्या मिलेगा 0.9122, यानी कि वो क्या हो गया 0.9 से बड़ा। तो मिनिमम n क्या हुआ हमारा 6, यानी कि हमारा आंसर क्या मिला हमको 6 टाइम्स।